बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इसी क्रम में आज हल्द्वानी में नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा में इस बैठक के आयोजन किया गया है। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ है बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट समेत पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कार्यकर्ताओं के साथ में इसी को लेकर की चर्चा की गई है। के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंधावलोकन करते हैं, हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख तैयार कर दिए हैं और हर बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं और हर बूथ को हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी की है और हम हवा में या सिर के ऊपर ही ऊपर बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल में जो अपनी तैयारी की है उससे तैयारी के आधार पर हम चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है, आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। दो चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सांसद जी उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है क्षेत्र की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे सभी लोकसभाओं पर अभी फिलहाल तीन लोकसभाओं पर हमने ये शुरुआत करी है। लोकसभा स्तर पर हमने अपने मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और मोर्चों के जिलाध्यक्ष और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों की और वक्ताओं की ये आज बैठक है। इसमें माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष